इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने जलाल से शादी की है, कोई चोरी नहीं की है। मैं भी मिस्टर बसुम से यही कह रहा था ना, यही कहा था मैंने आपसे, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है? शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। देखें, आप दोनों की बातें मेरी समझ से बाहर है। ये स्कूल ही है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, और इस स्कूल के बच्चे मेरे अपने बच्चे जैसे हैं, और उनकी उम्मीदें इस इदारे से वाबस्ता हैं, और इस इदारे के लिए मुझे फंड्स की जरूरत है। और इस इदारे के सबसे बड़े डोनर औरंगजेब साहब हैं। मैं उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकती, लिहाजा फैसला आप पर है। जी? आमाद बात कर, शायद आपने पहचाना नहीं। नहीं, मैं तो नहीं जानती। हसन आपके घर आया था चाय पर अपने फादर के साथ। हो तो आप बात कर रहे हैं, वैसे खैरियत से तो कॉल किया है ना आपने। आपको मेरा नंबर किससे और कहाँ से मिला? एटलीस्ट आपको मेरी कोशिश की तो दाद देनी चाहिए। जी, मेरा मतलब था कि देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता आपने किस हैसियत से कॉल की है मुझे, लेकिन ना तो ये सही वक्त है और ना ही सही जगह। सो गुड बाय। लिसन, इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने जलाल से शादी की है, कोई चोरी नहीं की है। मैं भी मिस्टर बसुम से यही कह रहा था ना, यही कहा था मैंने आपसे, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है? शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। मुझे सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे सब याद है, लेकिन शायद आप भूल चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? सब याद है मुझे, वही स्कूल, वही स्कूल की छुट्टी, वही क्लासरूम, वही सन्नाटा, वही तुम और वही मैं। ठीक कह रहे हैं आप, सब याद है आपको, लेकिन एक चीज याद नहीं है। अब कुछ याद आया आपको? इसे संभाल के रखो, बहुत जल्द मिलेंगे हम दोनों।
अरे इज्जत बेटा, आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। बहुत बिजी होंगी तुम, थकावट तुम्हारे चेहरे से नजर आ रही। बस बाबा आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे क्या हुआ बेटा? तुम ऐसा करो जाओ रेस्ट करो, मैं जलाल से कहता हूँ कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले। अरे नहीं नहीं बाबा, डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, जलाल भी फाइन। देखो बेटा बीमारी को लाइट नहीं लेना चाहिए, संजीदा लेना चाहिए। तुम जाओ मैं जलाल को भिजवाता हूँ, ठीक है? और जिद नहीं करना, उसके साथ चली जाना। बाबा क्यों इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मेरा इतना प्यार करते हैं, मैं कैसे आपके एहसानों का? मेरे बच्चे इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, जैसे मेरे लिए माँ ही है वैसे ही तुम हो। जाओ रेस्ट करो, मैं भिजवाता हूँ जलाल को। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिएगा, मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया है, वो आपकी गाड़ी ठीक करवा के आपके घर पे ड्रॉप कर देगा। थैंक यू। वैसे आपका वहाँ क्यों आना हो? मैं तो शॉपिंग करने आया, लेकिन ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। मैं भी शॉपिंग करने गई थी। हाँ वैसे आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। मैं समझी नहीं, क्योंकि लड़कियों के सारे कपड़ों के आउटलेट्स तो सेकंड फ्लोर पे थे और आप थर्ड फ्लोर पे घूम रही थी, वो भी खाली यार। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन शायद आप खवातीन के बारे में नहीं जानते। मैं दावा कर भी नहीं रहा। वैसे आपको एक बात बताऊं, जब तक हम लड़कियां एक दुकान पर दो से तीन मरतबा नहीं चले जाते ड्रेस खरीदने दूर की बात, हम किसी ड्रेस को हाथ लगाना अपनी मिसाइल समझते। चले इस बहाने आप मुस्कुराएं किसी। कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं बस ऐसे। अब आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? हाँ मैं कर देता हूँ तुम्हें ड्रॉप। उस दिन जलाल जब घर से पैसे लेकर निकला था तो मैंने ही उबैद को बताया था कि जलाल के पास पैसे हैं। तुम्हारी खामोशी मुझे और डरा रही है, प्लीज बोलो ना। इज्जत मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस किस गलती पर से पछताता हूँ। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बस करती चली गई। बताती भी किसे, किससे शेयर करती? अंदर ही अंदर दिल में घर वालों के लिए नफरत पैदा करती रही, एक के बाद एक गलत फैसला करती चली गई। गलत फैसले किससे नहीं होते माही, हालात किसके लिए मुश्किल नहीं होते? बस एक गलत फैसला बहुत सारे गलत फैसलों को जन्म दे देता है। लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया माही, इसका मतलब यह है कि तुमने अपने सारे गलत फैसलों की कीमत अदा कर दी। सर ये सब बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसके बगैर दिल का बोझ भी हल्का नहीं होगा। मुझे उस वक्त भी एहसास था,
लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। माई, मैं तुम्हारा दुख शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम कह दो। वो नंबर मेरा ही है जिसका जिक्र पुलिस ने डैडी से किया है। क्या क्या कह रही हो तुम माहीन? वो नंबर तुम्हारा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माहीन, तुम मुझे खुल के बताओ। उस दिन जलाल जब घर से पैसे लेकर निकला था तो मैंने ही उबैद को बताया था कि जलाल के पास पैसे हैं। उसे बहुत शदीद जरूरत थी जो कि अक्सर रहती थी उसे, और गोली भी उबैद नहीं चलाई थी जबकि मैंने उसे मना किया था कि ऐसा कुछ भी मत करना। जानती थी कि जलाल की जान को खतरा है लेकिन नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। जाने क्या कुछ करती रही, मेरी तो कोई माफी भी नहीं है इससे, और अब मुझे सजा मिल रही है। जाने मामा पापा का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता लगेगा मेरी प्रेगनेंसी का, और अगर दोनों को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, सिर्फ मैं। जिस तरह वो कतरा के वहां से निकल गई, कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं शहरयार को फोन करता हूँ, वो ही बता सकता है इसके पीछे का राज। अगर आप मुझे तंग करना बंद नहीं करेंगे तो मैं ये स्कूल छोड़ दूंगी। मैं आज ही मैम से बात करती हूँ। जो करना है कीजिए, जिससे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे ऊपर ये रोबो दबदबा आपका नहीं चलेगा। आउट। What? जानता हूं असल मुद्दा क्या है। यार एक्चुअली मैं उस दिन तुझसे मिलने आया था ना जब हॉस्पिटल, तो मैंने वहां पर माहीन और इज्जत को साथ देखा था, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि उनके वहां आने का मकसद क्या था। पहली बात तो ये कि मुझे मालूम नहीं, और दूसरी बात तुम जानना नहीं चाह रहे, शक का इजहार कर रहे हो। देखो हम्माद, माहीन तुम्हारी होने वाली बीवी है, और शादी से पहले इस तरह शक का इजहार करना कुछ समझ नहीं आया। एक्सक्यूज मी, मैं शक का इजहार नहीं कर रहा हूं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था क्या हो गया। देखो हम्माद, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, भाभी के आने जाने पे नजर रखना छोड़ो, क्यों खुद को टेंशन में लेते हो? टेंशन में डाल रहे हो? यह मेरी होने वाली बीवी है, मैं अगर उसके बारे में पूछगिछ नहीं करूंगा, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? प्लीज हम्माद, डोंट थिंक अबाउट इट। और अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं बनी तो कहां जाती है, कहां से आती है, क्या खाती क्या पीती है, सबसे खुद को दूर रखो। और अंकल ने ये रिश्ता कुछ सोच समझ के किया है, और मेरे ख्याल से ये सब बचकाना बातें हैं,
एक बार ये रिश्ता हो जाए फिर भाभी से पूछ लेना कि फला वक्त फला टाइम किस जगह गई थी, हो गया मसला हल। तू अपने जो मुंह है ना मेरे सामने बंद ही रखा कर, जब खुलेगा फजूली बात करेगा। एक्सक्यूज मी, एक मुखलिस दोस्त ऐसा ही होता है। देखे मैंने बहुत मुखलिस दोस्त। यस हेलो जी, आप डैड को मेल कर देना। बस कर दो माई, कितना रोगी तुम, ये ठीक नहीं है। जलाल को अगर कुछ पता चल गया ना वो तो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। जब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी सारी गलतियां जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहेंगी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अगर सिंह जलाल मर जाता तो तुम्हारा क्या होता। ये सब बातें जलाल से डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन माई बात करना भी तो जरूरी है ना। तुमने देखा ना कल बाबा कैसे गुस्सा कर रहे थे, उनको जब ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या होगा। अब तो वक्त ही बेहतर फैसले करेगा, मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है। सर औरंगजेब को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जलाल नाराज हो जाएगा और मुझे रह रहे कहीं वो फौरन जाकर डैडी को ना बता दे। तुम एक काम करो, तुम अभी उसे कुछ भी मत बताना, सही वक्त का इंतजार करो, जब तुम्हें लगे तब उससे बात करना। माही तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे, प्लीज परेशान मत हो और अब रोना मत। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है माही मैं देख तो नहीं सकती हूँ लेकिन मेरी दिल की आंखें कहती हैं कि तुम बहुत प्यारी हो। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं सबको देखूं, पता नहीं सब कैसे दिखते होंगे। कैसा लगता होगा ना तुम्हें, हमारे फीचर्स कैसे हैं, हमारा फेस कैसा है। सर औरंगजेब की शक्ल तो शफकत से भरी होगी, मोहब्बत से भरा चेहरा होगा उनका। और तुम तो मुझे छोटी सी मासूम सी लगती हो। और जलाल? मोहब्बत, जलाल में मुझे सिर्फ एक मोहब्बत का चेहरा नजर आता है जिससे शिकवे भी हैं और शिकायतें भी।